नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम पहुंचे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में, और यहां पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बहुत से आपको यूनिक उपकरण देखने को मिल जाएगा। और इस साइड जितने भी हैं इसमें से लगभग बहुत से ऐसे हैं जो कि आप बैल के माध्यम से चला पाएंगे। तो आगे वीडियो में यहाँ पर जितने भी उपकरण हैं उन सभी को लाइन से देखते हुए हम चलेंगे और आपको भी दिखाते चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया टेक के साथ। चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यह बिना बिजली, बिना डीजल, बिना सोलर के इससे आप सिंचाई कर सकते हैं। और इसका सिंचाई करने के लिए किस तरह से अरेंज करना है आपको बताते हैं। मान लो पानी का फ्लो इस तरफ से ऐसे जा रहा है तो उसको फ्लो के अपोजिट साइड में, जैसे एरो देख सकते हैं, अगर पानी इस तरफ से बह रहा है तो ये ऐसे डायरेक्शन में इसको यहाँ पर किसी चीज़ से बांध कर इसको एक जगह पर स्थिर कर देना है। उसके बाद पानी के वजह से ही ये खुद ब खुद घूमने लगेगा और इसमें बेयरिंग्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से यह काफ़ी आसानी से घूम पाएगा। और इसको पानी की सतह पर तैराने के लिए ये अलग से दोनों साइड में लगा हुआ है जिस वजह से यह पानी पर कुछ इस तरह से तैर सकता है। और यहाँ पर भी बेयरिंग लगा हुआ है और यहाँ से आप इसके डिलीवरी पाइप को फिट करेंगे। उसके बाद जैसे कि ये देख पा रहे होंगे पाइप कुछ इस तरह से इतना ऊपर तक गया हुआ है, तो जिस हिसाब से पानी का फ्लो रहेगा लगभग ये बिना किसी डीजल बिजली के आपके पानी को ऊपर पहुँचा देगा। और यहाँ पर बहुत से बैल और हाथों से चलाने वाले उपकरण मिल जाएंगे। इसको आप बैल की मदद से खींच सकते हैं और इसे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन रिसर्च कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर बताया गया है यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल एनर्जी। और इस साइड में हैंडल भी मिल जाएगा और ये शायद पर्डलिंग के लिए है, प्लास्टिक फ्लावर बिछाने का यंत्र। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो आप बैल से कुछ इस तरह से फिट करके काफ़ी आसानी से बिछा सकते हैं। और यहाँ पर इसका कीमत भी दिया हुआ है जो कि काफ़ी इफेक्टिव है, 14,000 का है। जैसे कि आप सब्जी की फसल लेते हैं तो आपको पता ही होगा कि इस प्रकार के प्लास्टिक कितना यूज़ में आता है। मशीन का टोटल वेट 44 किलो का दिया हुआ है और अनुमानित रेट एक बता दिया गया है कि आपको एक हेक्टेयर में इसको बिछाने में 1345 रुपये का खर्चा आ जाएगा। और ये जो यंत्र है इसकी मदद से आप मिट्टी चढ़ा पाएंगे, मतलब एक जो रहता है मादा बना सकते हैं, मतलब आप प्याज या कुछ भी बोने के लिए मादा बना सकते हैं और उसमें अरहर वगैरह सब भी इसमें बो सकते हैं। इसमें दो कंटेनर ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसकी मदद से जो बायोगैस प्लांट से गोबर का घोल प्राप्त होता है, मतलब स्लरी, उसको खेतों में एक कतार से पूरा इसमें डाल सकते हैं जिसकी वजह से खेतों का उर्वरता काफ़ी अच्छे से बढ़ जाएगा। और आज के दिनों में ये सब चीज़ का काफ़ी ज़रूरत हो गया है क्योंकि जो ज़मीन है उसका धीरे धीरे उर्वरकपन थोड़े कम होते जा रहे हैं। और ये कुछ इस तरह से उपयोग किया गया है। ये बैल चलित सौर ऊर्जा संचालित छिड़काव यंत्र है। इसकी मदद से आप पेस्टिसाइड को खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। जैसे ये देख पा रहे होंगे सोलर एनर्जी की मदद से चलेगा और सामने आपको कुछ इस तरह से बैल लगाना होगा और आपको यहाँ पर खड़े होकर इसे ऑपरेट करना होगा। इसका कीमत 16,500 है और इसका टोटल वेट लगभग 41 kg का है। और ये कार्य क्षमता को देख सकते हैं, 0.27 हेक्टेयर पर घंटा दिया हुआ है जो कि आपके हिसाब से वेरी भी कर सकता है। और ये 4 नोजल लगे हुए हैं और इस मशीन की मदद से आप आलू को एक ही कतार में बुवाई कर सकते हैं। और इसका डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से है और यहाँ पर डिस्क भी लगे हुए हैं जो कि मिट्टी को काटते चलेंगे। और इसका प्राइस 24,000 दिया हुआ है। और इसकी मदद से आप 6 लाइन के प्याज की बुवाई कर सकते हैं और इसका जो कीमत है 32,000 रुपये दिया हुआ है। और आपको बता दें कि इस प्रकार के इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए आपको थोड़े हष्ट पुष्ट बैलों की ज़रूरत होगा। और ये पाइपलाइंस और जो सामने के व्हील कुछ इस तरह से है और पीछे ये चैन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पर बेवल गियर अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है। और ये अंदर का डिज़ाइन। और यह 5 पंक्तियों में बोए जाने वाला बहुफसली प्लांटर है। इसकी मदद से आप रबी और खरीफ दोनों प्रकार के फसल के बुवाई कर सकते हैं। और इसका जो कीमत है यह 20,000 रुपये है और इसका टोटल वेट लगभग 43 किलो का है। और इसको आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे चौड़ाई को कम ज़्यादा भी इसमें कर पाएंगे। और जो वर्किंग है देख सकते हैं कुछ इस तरह से किया जाता है। और ये धान की बुवाई करने के लिए है। इसका रेट 15,000 रुपये दिया हुआ है और कुछ इस तरह से आपको बॉक्स मिल जाएगा। और ये वाले मशीन से आप बहुत से काम कर सकते हैं और अपने काम के हिसाब से आपको ये सब चीज़ चेंज करना पड़ेगा, जरूरत के हिसाब से आपको इसमें अटैच करना होता है। और इसकी मदद से जुताई, बुवाई, निंदाई, बियासी और मेड़ बनाना, ये सब चीज़ किया जा सकता है। और ये रहा सीड ड्रिल और इसको भी बैल की मदद से चलाएंगे। और आपको बता देते हैं कि ये जितने भी उपकरण हैं लघु किसानों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सही बनाया गया है क्योंकि हर कोई किसान जो है ट्रैक्टर परचेस नहीं कर सकता है, तो उस कंडीशन में आप बैल की मदद से भी काम ले पाएंगे। और ये पडलिंग के लिए तो देख सकते हैं किसान यहाँ पर बड़े आसानी से बैठ के आराम से इसमें पडलिंग भी कर सकता है। और ये हैंड व्हील वो है
और इसकी मदद से जो मादा तैयार किए होते हैं उसके बीचों बीच खरपतवार हो जाते हैं, उसको मैनुअली कोई भी इंसान इससे एक ही बार में वो खरपतवार को नष्ट कर सकता है। और इसका वर्किंग कुछ इस तरह से है, और सीड ड्रिल की मदद से अगर धान बोए रहेंगे तो इसके खरपतवार को नष्ट करने के लिए ये कुछ इस तरह से निंदाई यंत्र बनाया हुआ है। और ये सब नॉर्मल प्रकार के हल हैं, और ये MB प्लाऊ और ये 82 हल, तो ये सब चीज़ मिल जाएगा। ये 1600 रुपये, ये 1900 और ये 2400 का है, और इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। और इसका कीमत यहाँ पर 1500 रुपये रखा हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी उपकरण हैं इन सभी का जानकारी हमने आपको जितना हो सके दिया है। और ये रहा सीड ड्रिल, तो बस इतना ही कुछ है जो आपके बैल चालित उपकरण हैं। और भी यहाँ पर बहुत से उपकरण आए हुए हैं, हम आपको आगे वीडियो में वो सभी चीज़ दिखाते हुए चलेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।